केशव, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, कहाँ जा रहे हो तुम? उनके पास जा रहा हूं जिन्होंने मुझे बचाया। और एक बात सुन लीजिए पिताजी, आपने जो भी बीती रात माँ से कहा वो सब सुन लिया मैंने। क्या कहा आपने उनसे? कि अगर वो द्वारका माई गई आप उनको घर से निकाल देंगे, उनका परित्याग कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं पिताजी कि अगर आज मैं इस घर में हूं तो सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूं, वरना मैं कब का छोड़कर चला गया होता। और एक बात और, अगर आप आज माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं तो वो अकेली नहीं जाएंगी, उनके साथ मैं भी जाऊंगा। फिर क्या बचेगा? सब कुछ तो खो देंगे आप। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक? मेरे बेटे को मेरे विरोध करके मेरी औषधि के कारण केशव ठीक हुआ। रात भर जाग कर पुस्तकें पढ़कर विधि ढूंढी, उपाय ढूंढे, मेरे लाख मना करने पर भी तूने उस बैरागी को अनाज का एक दाना दिया। अब मेरा बेटा ये मानने लगा है कि उस फकीर के कारण वो ठीक हो गया। कैसी पत्नी हो तुम? सरकार! क्यों चिल्ला रहे हो? सरकार, शिरडी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। हाँ सरकार, पता नहीं लोग कहां कहां से आ रहे हैं, सभी लोग शिरडी में दाखिल होना चाहते हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। सरकार, खुद चलकर देखिए ना। हाँ सरकार। आप हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें साईं? ये भी हम नहीं जानते। आपने हम सबकी जान बचाई। सब हो गया? जी साईं, आपके निर्देशानुसार हम खिचड़ी बनाकर ले आए हैं। आप में से बहुतों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होगा,
पहले कुछ खा लें, बातें बाद में होती रहेंगी। शुरू कीजिए। ओ, सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबराए मनवा तेरा लज न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये राम समझाए। शुक्रिया साई। धन्यवाद साई। हम धन्य हैं साई जो हमारे जीवन में आप हैं। आप हमारे लिए भगवान हैं साई। आपकी जय हो साई। साई की जय हो। 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 क्या चिल्ला रहे हैं ये लोग? साई की जय हो। सरकार, मैंने वो लोग बोल रहे हैं। अब तो बता दीजिए साईं, अपने सात घरों से एक एक दाना गेहूं का मांगा, जबकि मैं तो आपको पूरी गेहूं की बोरी देना चाहता था। बैठिए आप लोग। गेहूं के साथ दाने मनुष्य के साथ दोषों के प्रतीक हैं। लालसा, पेटूपन, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, आलस्य और क्रोध, और ये वो दोष हैं जो मनुष्य में अनजाने में ही पैदा हो जाते हैं, और अगर हम इनके प्रति सतर्क न रहे तो ये हमें हमारे अपनों से ही दूर कर देते हैं। ये समाज की एकता और एकजुटता में बाधक है। जिस समाज में एकता नहीं, एकजुटता नहीं, वहां असुरक्षा है, और जिस समाज में असुरक्षा है वो समाज उन्नति कैसे कर सकता है? क्या जिस समाज में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, खुद से आगे बढ़कर दूसरों की मदद नहीं करते, क्या वो समाज कहलाने योग्य है? गेहूं के सात दानों का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि सभी को याद रहे और सभी अपने इन दोषों के प्रति जागरूक रहे।
जैसे जैसे समय अपनी गति से आगे बढ़ेगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा। कभी अच्छे के लिए तो कभी बुरा समय लेकर। समय हमारे सामने हमेशा विकल्पों को रखता रहेगा, पर चुनाव हमें करना होगा, निर्णय हमें लेना होगा। हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती रही हैं और आती रहेंगी, जहां हमें विकल्पों का चयन करना होगा। कई बार निर्णय लेना बहुत कठिन होता है, और ऐसे ही समय में ये दोष हमें मोह, आकर्षक, रोमांचित कर देने वाले विकल्प दिखाकर हमारी राह को भटकाने का प्रयास करते हैं, और भविष्य में भी ऐसा होता ही रहेगा। पर अगर ऐसे समय में, निर्णय लेते समय, हम खुद को इन 7 दोषों से मुक्त रखें, तो हम कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। यही मेरा प्रयास था और यही मेरा उद्देश्य। सुबह की तुलना में इसकी हालत और बिगड़ती जा रही है, हमें किसी की मदद लेनी चाहिए। कौन मदद करेगा इसकी? साईं। ये साईं का ही चमत्कार है, तभी तो ये बंदरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गए, और ये हवा में आटे की महक, मुझे यकीन है ये जरूर साईं की ही कोई लीला है। क्या हुआ सरकार? उस फकीर की बातें सुनकर आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस फकीर की बातों से सहमत हैं? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मूर्खा वाले इसके बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं आ सकता इसके झांसे में, इसके काले जादू के चक्कर में कभी नहीं आऊंगा मैं। ये बैरागी जिसे अहंकार कहता है, दरअसल वो मेरा स्वाभिमान है। और हाँ, मेरा स्वाभिमान मेरी योग्यता से है। हूं मैं इन गांव वालों से अधिक योग्य। आज ये गांव वाले समझ रहे हैं कि इन्होंने मुझे हरा दिया, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है, भूल है। मैं लौट कर आऊंगा इनका सुख चैन छीनने, और ये कुलकर्णी सरकार की प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा। हम प्रण लेते हैं साईं, हम एकजुट रहेंगे और हर मुसीबतों का मिलकर सामना करेंगे। राम जी भला करें। साईं, आपने हमारे लिए जो किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। जब प्रशासन, अधिकारियों, सरकार ने, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, ऐसे समय में आपने हमारी मदद की। आपने एक पिता की तरह हम सब लोगों की रक्षा की साईं।
हाँ सही, केवल माता पिता ही किसी के लिए इतना कर सकते हैं जितना आपने हमारे लिए किया है। आप हम सब के लिए पिता समान है सही, पिता समान है। साईं, हमें तो यकीन हो गया था कि उस शिविर से कभी हम जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन आपने, आपने हम सबकी जान बचाई। हाँ साईं, और इसीलिए आज से हम सब और हम सभी क्यों, ये सारी दुनिया आपको साई नहीं बल्कि साई बाबा कहेगी। आप हमारे पिता, ईश्वर, मित्र, सब कुछ हैं। आप हमारे साईं बाबा हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा की जनन मरण के पार करा दो मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा। नित्य निरंजन साईं नाम, दुख भंजन साईं नाम, गूंज चिरंतन साईं नाम, व्यापे कण कण साईं नाम। नित्रा से मुझको जगा दो।
सारा जगत परिवार तुम्हारा, तीनों लोग है सुबह, छाँव में अपनी मुझे बना दो मेरे साईं बाबा, मेरे कल नवरात्रि का पहला दिन है, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, पर एक महत्वपूर्ण चीज रह गई है। वो क्या बैजाक का? हमारे पास घट नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए।